सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। चाहने से हर चीज अपनी नहीं होती, हर मुस्कान खुशी नहीं होती। अरमान तो बहुत होते हैं मगर कभी वक्त तो कभी किस्मत अच्छी नहीं होती। रिश्ता क्या है ये जानने से अच्छा है अपनापन कितना है ये महसूस कीजिए। रिश्तों की कदर भी पैसे की तरह ही करनी चाहिए क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गवाना आसान। आज का पंचांग 31 मई 2022 दिन मंगलवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शाम 7:19 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र सुबह 10:01 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 3:44 से 5:24 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर रात्रि 11:30 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 31 मई 2022 दिन मंगलवार, आज अपने सिद्धांतों की व्याख्या और पुनर्मूल्यांकन का दिन है। आप पिछले फैसलों के लिए खुद से और अपने साथी से भी सवाल कर सकती हैं, फिर भी आप उसके प्रति बहुत अच्छे बने रहेंगी और उससे भी बदले में यही उम्मीद रखेंगी। जब पुराने विचारों से कोई काम बनता दिखाई ना दे रहा हो तो नए विचारों को अपना लेने में कोई बुराई नहीं है। पारिवारिक कामों को लेकर दिन भर व्यस्त रहेगी, आपको स्वयं के लिए वक्त नहीं मिल पाएगा लेकिन आप इस स्थिति का आनंद उठाएंगी। धन संबंधित योजनाएं सफल होगी, संतान के विवाह करियर आदि संबंधित चिंताएं समाप्त होगी। परिवार के हर एक व्यक्ति के साथ जुड़े रहने की कोशिश सफल होगी, लोगों पर आपका प्रभाव बना रहेगा। पैसों की आवक बढ़ाने से सुख बना रहेगा, आज किया गया निवेश तुरंत फायदा दे सकता है। करियर में बदलाव करते हुए हर परिणाम का अंदाजा लेकर ही आगे बढ़ें। पैसा और प्रसिद्धि को महत्व देने से पार्टनर को नजरअंदाज कर सकता है। शरीर का लचीलापन बढ़ाने के लिए व्यायाम को जीवन शैली का अंग बनाएं। साथ में खान पान पर भी ध्यान देना होगा। सावधानियां, पारिवारिक किसी समस्या की वजह से कुछ समय के लिए वातावरण नकारात्मक रहेगा लेकिन सूझबूझ से जल्दी समस्या का समाधान भी निकलेगा। उस समय अच्छी किताबों को पढ़ने में भी व्यतीत करें, अवांछित लोगों से मेल मिलाप ना रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी तथा परिवारजनों का आपको उचित सहयोग रहेगा। किसी विपरीत लिंगी मित्र से अत्यधिक होने से आपके प्रति अफवाहें फैल सकती है। अगर आप अपने प्रिय साथी के साथ कुछ प्रेम के पलों का आनंद लेने का सपना देख रहे थे तो आज के दिन इसके लिए उपयुक्त है। अपने घर के दायरे में या प्रकृति के कहीं आसपास एक साथ इस दिन का आनंद लें। शीतल प्रकाश सुगंधित द्रव आपके प्रेम की ज्वाला को बढ़ाएंगे। आगे बढ़े आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। बात करती हैं करियर की। कार्यालय के लंबित, आज आपको देर तक कार्यालय में काम करना पड़ सकता है, ये मुश्किल समय भी थोड़े समय के लिए है। पिछले दिनों के आपकी बोरियत और आलस आप पर आज नकारात्मक प्रभाव डालेगा। आप आज दुष्टों के साथ सौम्य और विनम्र रहें, अन्यथा आप विवाद में फंस सकते हैं। ऐसे स्थितियों से दूर रहें। कारोबार में नई सफलता और उपलब्धियां आपकी प्रतीक्षा कर रही है। कामकाज को लेकर आपकी योजनाएं सफल रहेगी परंतु सहकर्मियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। मार्केटिंग संबंधित कार्यों के लिए भी कोई नई योजना कामयाब रहेगी।
बात करते हैं सेहत की। आज आपकी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का कारण आपकी चिंता हो सकती है। आप बहुत चिंता करते हैं और आज भी कोई अपवाद नहीं है। इससे आपको माइग्रेन या अल्सर जैसे तकलीफ भी उभर सकती है। हालांकि आप शांति से सोच सके तो चिंता करने लायक कुछ भी नहीं है। और अगर कुछ आपके सोचे अनुसार नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप पूरी तरह इन समस्याओं को नज़रअंदाज कर सकते हैं। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी के समक्ष दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।